कमला पोद्दार ग्रुप और पुष्प बीतान संस्था द्वारा एक दिवसीय फ्लोरल आर्ट पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस मौके पर कमला पोद्दार ने बताया कि वर्कशॉप में मास्टर क्राफ्ट जूट प्लांट मटेरियल और क्रिएटिव काम के लिए फ्लावर का प्रयोग किया गया। वर्कशॉप में प्रीति शारदा और सुनीता कनेरिया के सहयोग से वर्कशॉप में जूट और लोकल मटेरियल के साथ राखी के त्योहार को देखते हुए फूलों की राखी को किस तरह सुंदर बनाया जाए इस बारे में बताया गया। ये पुष्प वितान की वर्कशॉप है, लास्ट 2 साल से पुष्प वितान जयपुर में काम कर रहा है। प्रीति शारदा और सुनीता कानूरिया जी हमारे साथ हैं। इन्होंने जूट से और हमारे लोकल मटेरियल से जूट इन्होंने इसलिए लिया है कि हमारे डेजर्ट का कलर है जूट और राखी का फेस्टिवल है और उसमें जूट और ग्रीन कलर को मिक्स करके राजस्थान डेजर्ट के लिए फेमस है, एमरेल्ड के लिए फेमस है ग्रीन कलर, उन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के इन्होंने यहाँ पे क्रिएटिविटी बताई है कि आप राखी की ट्रे, फ्रेश फ्लावर की राखी और जूट को ना गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, तो उस गोल्डन फाइबर को हमारे इंडिया की जो स्किल इंडिया की बात हमारे मोदी जी बोल रहे हैं उसको स्किल डेवलपमेंट के लिए आज आप जो भी डिजाइन देख रहे हैं इन सबको जैसे जैसे ये जूट है, ये जूट के ही सारी चीजें एक एक रॉड पे लपेट के सारी बनाई गई है। तो ये दो मास्टर्स यहाँ पे जयपुर की 25-30 लेडीज को सिखाने आए हैं और स्टूडेंट को भी सिखा रहे हैं उसके साथ में, और जिसको सीख के जयपुर प्रोफेशनली भी जा सकता है और पर्सनल अपने घर के हाउस होल्ड के लिए भी इसको काम में ले सकते हैं। यहाँ हम डेमोन्स्ट्रेशन करने आए हैं पुष्प वितान जयपुर में, दिखाने द यूसेस ऑफ जूट इन द फेस्टिवल ऑफ राखी, एंड वी आर ऑल्सो प्रमोटिंग द वाफा शो। दिस इज द शो टू हैपन इन 2020 इन जयपुर। इट्स अ शो फ्रॉम द वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ फ्लोरल आर्टिस्ट, जब आके यहाँ पर 32 कंट्रीज के कंपेटिटर्स कम्पीट करेंगे, फ्लोरल डिजाइंस बनाएंगे, फूल के आर्ट वर्क करेंगे इन 2020 इन फेब्रुअरी 26 टू